आपके पसंदीदा शो आपका साहिर में जारी है ब्राइडल कंपटीशन। गुज़िश्ता रोज 8 हसीन मॉडल्स के दरमियान इस कंपटीशन के पहले दिन एक कांटेदार मुकाबला हुआ। कंपटीशन के आगाज में तमाम जजेस ने मॉडल्स को दिए निहायत ही कारामत मशवरे। जो वो प्रॉप्स यूज करते हैं वो उसके साथ कितना कॉन्फिडेंट है, कैसे पकड़ना है या लहंगे में आपने वॉक कैसे करना है। मॉडल्स से फोकस इस पे करती है कि बस हम खूबसूरत लग जाए। पर्सनैलिटी प्रॉप्स के साथ मॉडल्स की वॉक ने रैंप पर खूब जलवा दिखाया। मायूं और मेहंदी के हसीन मलबूसात में मॉडल्स ने अपने हुस्न से इस कॉम्पिटिशन में खूब चार चांद लगाए। कुछ मॉडल्स ने बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ वॉक ली और कुछ जजेस की नज़र में खास जगह ना बना सकी। शो के इख्तिताम पर जजेस ने अपने रिमार्क्स दिए, किसी को आया गुस्सा तो कोई हुआ मायूस। वक्त की कमी के बाइस कल कोई एलिमिनेशन ना हो सकी। आज शो का दूसरा और आखिरी दिन है, पर आज का आगाज होगा दो एलिमिनेशन से और मुकाबला होगा हमारी 6 मॉडल्स के दरमियान। आज हमारी शादी और बारात की थीम है और वॉक भी होगी दो, तो देखते हैं कौन जाता है घर और कौन खुशनसीब बनता है बेस्ट ब्राइडल ऑफ द ईयर। तो देखते रहिए आपका साहिर। सुबह ही सुबह खुशी किस बात की है? माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे। बताओ आसान नहीं है, यकीन करें। किसको कह रही हो नजर ना लगे? अपनी आवाम। मैं कहा अपने आप को। चलो अच्छी बात है, ये मैं ये आप ये कहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ नजर ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे जजेस भी बहुत माशाल्लाह है, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, ज़ाहिद ज़ेर कुकी ज़ेर, बहुत बहुत ऑफ कोर्स एंजी मार्शल ज़ेर, बहुत सारी तालियां एंजी के लिए। मदीहा ज़ेर, मदीहा के लिए बहुत सारी तालियां। एंड देन ऑफ कोर्स सुंदर ज़ेर, सुंदर के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा अब रुबाब के आने का इंतजार है, रुबाब जैसी आएंगी हम जजेस की तरफ चले जाएंगे। बट कल मुकाबला। हेलो क्या हो गया सर? कोई बात नहीं, मुझे शो कर लेने, सॉरी यार। अरे अच्छा, क्या हो गया? चाचा बोलो तो नहीं शो रहा है। मजा है लाइफ का। हाँ लाइफ में लाइफ शो। अच्छा मुझे बताइए कल जो एलिमिनेशन बच गई थी आज वो होने वाली है? क्योंकि अभी किसी को नहीं पता, जो हमारे घर बैठे ऑडियंस है, जो यहाँ पर है और इवन जो हमारी कंटेस्टेंट्स है, कि आज क्योंकि 8 में से 2 का एलिमिनेट होना है अभी हो इसी ब्रेक में अभी। अब देखिए मेरा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, आज हो सकता है मैं, अब आई डोंट नो, इनके पास सब चीजें हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि एटलीस्ट उनकी वॉक देख लें, शायद कोई ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि 2 को करना है। अगर आप चाहें इजाज़त तो कम अज़ कम आज ये ब्राइडल वेयर में है और बहुत ही हसीन और खूबसूरत जोड़े जो ये डिज़ाइनर हमारे कुकी लाहौर से आए हैं। स्पेशली मैं अभी इस ऑडियंस को बता दूं जो घर बैठे हैं कि आपने एक सेकंड को भी नहीं हिलना, अगर हम ब्रेक पे भी जाएं तो आप इंतज़ार करते ना, क्योंकि जो हमारी आगे जो वॉक्स होंगी कपड़े वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट जो कि आपने शायद नहीं देखे। नहीं हिल लीजिएगा, हिलने से मना नहीं है। नहीं नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, वो थोड़ा कहेंगे तो ज्यादा होगा, तो मना ही कर दो बस, बेस्ट है। हाँ बिल्कुल मना कर दो, जाना नहीं कहीं। ऑलराइट आई थिंक रुबाब इज देयर एज वेल, तो आइए बहुत सारी तालियों में रुबाब को बुलाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। सलाम अलैकुम, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देयर यू गो। सलाम अलैकुम, हाउ आर यू? प्लीज सलाम अलैकुम। नहीं नो प्रॉब्लम। अच्छा अब ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और ये याद रखिएगा कि कल 8 हमारी अमरे दराजो 8 हमारी मॉडल्स थी, 8 में से इस वक्त हम 2 मॉडल्स को दो मॉडल्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। हाँ. दो को, ऑलराइट, दो को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? तो बताइए अभी आप सुबह अनाउंस कर देंगे, कहते ना कि शायद वक्त का तकाजा भी ये था कि कल टाइम नहीं था, वरना हम कल अनाउंस कर देते। अब जब ये आए हैं तैयार होकर, इतना इन्होंने टाइम लिया है, जोड़े पहने कुकी के भी, तो क्यों ना इनकी वॉक हो जाए। साहिर मैं तो ये चाहती, आप लोग चाहते हैं क्या? यहीं से इधर इधर आ जाइए आप,
एक अभी भी आखिरी चांस है, बहुत ही ऐसी लाइन बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, प्लीज लाइन बना लीजिए। लेट्स सी, यहीं से मैं वॉक करवा दूं जारा को? बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां से वॉक करा दें, यहां से वॉक करवा दें। ओके हां, यहीं से स्टार्ट करके एक एक करके। बिस्मा बिस्मा, यू स्टार्ट फर्स्ट, जरा म्यूजिक लगा दीजिएगा, बहुत ग्रेसफुली आइए बिस्मा, 1 2 3 एंड वी गो।
ऑलराइट जी, ऑलराइट ओके, बताइए बहुत ज्यादा जो है चीज इंप्रूवमेंट है. सबसे पहले तो मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ, खुद ही कह रहे हैं और क्या बोलो ना बोलो. अरे तो नहीं नहीं आप बोलिए ना. अच्छा, अच्छा, ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं आपको. दरअसल साहिर ये है कि बहुत ट्विस्ट आया है और सबसे पहले तो मैं तमाम कंटेस्टेंट कहूँगी कि जो कल के परफॉर्मेंस है आज के परफॉर्मेंस में इतना मेजर डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है. अभी जज से पता चला जो कल हमने दो एलिमिनेट करनी थी और आज मैंने सुबह सुबह का यार मौका दे दो तैयार हुई भी है. अभी आर्ग्यूमेंट जजेस कह रहे जिनको हमने एलिमिनेट करना था इन्होंने चेंज कर दिया, इन्हें उस वो जाते जाते रुकेगी, कोई और आउट होगी. और साथ साथ कल की दो कंटेस्टेंट्स हम आपको बताएंगे कि जो एलिमिनेट होंगे. आज भी हमारा जो है एक को एलिमिनेट होना है. क्या मतलब आज के शो में? नहीं नहीं क्या आज मतलब? एक थोड़ी होगा. नहीं कल दो नहीं, और आज तीन एक साथ. हाँ, तीन होगी. हाँ, अभी इस वक्त तीन हो रही है. सेकंड डे की एक, सेकंड डे की हमें आज एक करना था, कल की दो, तो तीन. आज के दिन में पूरी तीन एलिमिनेट होंगी लड़कियां. अच्छा मैं थोड़ा सा वो कहूंगी, आज एलिमिनेशन जो थी वो कल दो एलिमिनेशन थी, बाकी छह का मुकाबला होना था, छह में से कोई किसी एक ने क्वीन बनना. नाउ क्वेश्चन इज आप उन दो के बजाय तीन को एलिमिनेट कर रहे हैं. हां तीन को कर देते हैं. इस वक्त आप तीन को एलिमिनेट कर रहे हैं. बिकॉज मैं तो कहा कहते नहीं जो मैं करता हूँ. आपको आप आठ लोग हैं, दो को एलिमिनेट होना था लेकिन जजेस के मुताबिक तीन लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है. अच्छा मैं एक और जरा से मैं बात एक ऐड करूंगी. जैसे अंबर ने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत इम्प्रूवमेंट आई. हाँ बहुत ज़्यादा आई, मगर कुछ लड़कियों की कल से वर्स्ट परफॉर्मेंस भी थी, कल से भी ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस थी. मतलब मुझे ये भी लगा कि कुछ लड़कियों ने तो इतना इम्प्रूव किया जिनकी कल वर्स्ट थी और कुछ की कल अच्छी थी आज एकदम वो वर्स्ट हो गई. अच्छा मुझे एक लेना है ब्रेक, ब्रेक के बाद आपका फैसला हो जाएगा. आप में से तीन लड़कियाँ ऐसी हैं जो इस ब्रेक के बाद हमारे साथ, मतलब अगली ब्रेक में हमारे साथ नहीं होंगे. जैसे ही हम वापस आएंगे, इन तीन लड़कियों में, इन आठ लड़कियों में से तीन लड़कियां ऐसी हैं जो इस मुकाबले में मजीद हिस्सा नहीं लेंगी. एक छोटा सा ब्रेक, आपको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है. कौन वो तीन लड़कियां हैं, तीन मॉडल्स हैं जिनको जजेस ये समझते हैं कि उनको इस मुकाबले में आगे नहीं जाना चाहिए. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. लेडीज एंड जेंटलमैन, साइलेंस. जजेस आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है. अंबर थोड़ा सा हटिएगा जरा, इधर जी प्लीज. डिसीजन ले लिया आपने, आपके ख्याल में आज जजेस जिनके नाम लेंगे वो यहां रैंप पे आ गया, तो ये दो कदम आगे आ जाएगा, रैंप पे आ जाएगा. ठीक है जजेस, जिन आपने तीन की एलिमिनेशन बोली है, दो की एलिमिनेशन, तीन की एलिमिनेशन, लेकिन समझ नहीं आया. ये था, आपने पहले भी कहा ऑन एयर था, मैं कहना चाह रही थी कि दो है तो तीन को क्या क्राइटेरिया कि आप तीन को निकाल रहे हैं. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस लेवल, और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे से अच्छा मॉडल भी जो होता है समटाइम्स वो गूफ अप कर देता है बिकॉज उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो जो आउटफिट है उसको वो जस्टिस नहीं कर रहा. एग्जैक्टली किस तरह से वो कैरी कर रहा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बस ये जो आप आपने रैंप पे आपका एक वॉक होती है, सिर्फ शक्ल ही नहीं होती, अंबर ऑल ओवर पूरी लुक होती है. आपका बॉडी टाइप, आपकी हाइट, सब कुछ मैटर करता है. आप किस कॉन्फिडेंस से वॉक कर रहे हैं रैंप पे, आपने कैरी कपड़े किस तरह से किए हैं. आप समझते हैं जिसको आप आज तीसरा भी कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही बुरा कैरी किया है. नहीं नहीं तीसरे को तो नहीं, हम ऐसा कहते बट हमें लगता है एलिमिनेट कर रहे हैं ना, आप तीन कर रहे हैं ना आप लोग, जाहिर सी बात है. मेरा तो उस पे है कि कल दो की थी तो अब तीन, क्योंकि पहले भी मैं आपसे यही बहस कर रही थी, आप लोग नहीं मान रहे
रहे हैं। अच्छा लेट्स सी कि इन्होंने किसको किया। हमारे पास देखिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आई डोंट केयर आप पांचों को कर दें, पांच छह को कर दें, डू टेल अस वो कौन सी मॉडल्स हैं जो इस ब्रेक के बाद हमारे साथ नहीं है। जी अनफॉर्चुनेटली मैं सबसे पहले बताती हूँ कि हया कैमरा फेसिंग मारवी और फाके आई डोंट नो प्लीज, क्योंकि मेरा हमेशा मैंने पहले भी किया था मेरा हुआ था क्योंकि चीज गलत मुझे भी लगती है। आई नो आप ज्यूरी हैं जजेस हैं लेकिन आई थिंक के जो अपने ये क्या नाम है मारवी ने तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वॉक पे जहाँ पे तालियां मैंने भी साहिर ने बनाए और मैंने मकसद ये था जो कल एलिमिनेट हो रहे थे उनको चांस दिया जाए। एक्चुअली आप लोगों से पूछ सकते हैं मतलब हाउ कैन यू, कल जो सारे जजेस ने मिलके अपने अपने वो मार्किंग की थी, उसके हिसाब से जो मार्क्स बने हैं मैं उसके बेसिस पे कह रही हूँ। आप कुछ भी कह लें अभी मारवी की जो कॉन्फिडेंस लेवल था मैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सबसे अच्छा था जिस तरह से डिस्प्ले किया एज अ ब्राइड आप उसको निकाल रहे हैं। आई नो आई थिंक देखिए आई विल नॉट क्वेश्चन यू लेकिन साहिर जो भी था हमारा फॉर्मेट अगर दो का था तो दो अब अननेसेसरी होस्ट्स को चांस तो देना अबर, चाहिए ना। नंबर देखिए हमने अभी यही कहा कि हमें बाज लड़कियों ने बहुत सरप्राइज किया जिनकी परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छी थी आज वो बिल्कुल नीचे चली गई और जिनकी परफॉर्मेंस कल बहुत बुरी मार्किंग के हिसाब से बहुत बुरी थी वो आज थोड़ा लेकिन आज फाकिया का स्क्रीन फेस बहुत प्यारा है। अब आप क्या हम ऑल ओवर हम ऑल ओवर ऑल ओवर देखो अंबर सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाता ना आपने डिजाइनर के कपड़े पहने आपने उसके साथ जज आपने क्या किया उसके जस्टिस साथ किया आपने उसे जस्टिस किया ही नहीं है आपने प्रॉपर वॉक ही नहीं करी है उसके साथ सिर्फ शक्ल ही तो सारी चीजें नहीं होती ना। रैंप पे आपको ऑल ओवर देखा जाता है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं किस तरह कैरी कर रहे हैं किस तरह लुक्स दे रहे हैं अपनी। मैं चले हया के सर क्योंकि उनका बिल्कुल फर्स्ट वो है और थोड़ा बहुत पता चल जाता है। आया, what do you feel? कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है कि मुझे चांस मिला है यहाँ तक आने का और इंशाल्लाह मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि जो चीज़ मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएंगी। वाक्य इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेजर कि हमें यहाँ पे सारे मेंटर्स से हमें सीखने को मिली बहुत सारी टिप्स एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू अदर कंटेस्टेंट्स। यू डोंट फील बैड यू एग्री विद द डिसीजन जो कि जजेस ने या ऑफ कोर्स बिकॉज़ वो जजेस हैं दे हैव द राइट फॉर सम रीजंस दे आर जजेस तो अगर उन्होंने पॉइंट आउट की है कुछ चीज़ें और कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया है और कुछ लड़कियों को वो आउट कर रहे हैं सो इट्स फेयर एनाफ गुड जी। मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ से जाऊँगी क्योंकि आज जिस तरह से मुझे लगा है कि मैंने आज मतलब किया है नो डाउट तो मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ से जाऊँगी। बाकी ऑडियंस हैं जजेस हैं वो बताएंगे कि आई डोंट नो मुझे आगे प्रोग्राम चलाना है मुझे यही देखना है ना दो का था अंबर आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड आई डोंट केयर आई डोंट केयर आप समझ आप दो करें ना आप एक को क्यों मार दिया आप इधर आ जाइए प्लीज इधर आ जाइए प्लीज इसको रोक लें आप उसने वॉक इतनी अच्छी की है कल के आप क्यों कर रहे हैं आप थोड़ा सा समझने की थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए अगेन प्लीज ये जजेस का फैसला है व्हाटएवर जजेस थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट्स नॉट माय डिसीजन और योर डिसीजन आगे भी चलाना इन लोगों को दो चेंजेस अभी बाकी हैं और उन दो चेंजेस के बाद कोई एक किसी एक को क्राउन किया जाएगा। I feel sorry also मेरे भी यही राय है मारवी के बारे में जो आपकी राय but at the end of the day it's not my decision I am not the one who actually knows the ramp or the exactly कि आप लोगों ने किस बात पे ग्रेड किया है तो actually हमारा भी ये है कि हर किसी ने जो मार्किंग की है हमने उसी को टोटल करके that's how normally judging होती है। नहीं नहीं होता ना कि चले दो है बिला वजह मेरा तो था कि चांस दिया जाए आप अचानक जो है आप एक की वॉक इतनी अच्छी हो आपकी ने क्या क्राइटेरिया आपस में डिस्कशन की मैं हमेशा जो चीज गलत लगती है मैं बोलती हूं चाहे आई नो आई अंडरस्टैंड बट दिस इज दैट टाइम आई डोंट नो स्टिल आप सोच सकते हैं बिलीव मी
this is that time. No ma'am, please, no one will say anything. Reason is, देखिए फिर judges का कोई फायदा नहीं है. अगर if we have to make a decision or Amber has to make a decision, then judges, there's no need for them. ये judges का discretion है, उनकी बात को respect करें. उनका जो फैसला है वो दुरुस्त है. हमारे मुल्क में ये मिसालें कायम होनी चाहिए कि जजेस के फैसले को रिस्पेक्ट किया जाए, वरना गलत. ऑल द बेस्ट. आई ट्राइड माय बेस्ट. आई स्टिल चले जाए फिर मैं बात करूं. I'm not happy. इनको जरा कट कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा प्लीज. हमने इनका एक्चुअली हम लोग भी थोड़ा सा वो हो रहे थे, बिकॉज़ आज उस लड़की ने बहुत कमाल. तो फिर क्यों आपने निकाला उसको? इट्स नॉट जस्ट द वॉक अंबर, यार 300 यू हैव टू देखें जिस तरह से शी कैरीड इट वेरी वेल. नो नो, शी कैरीड इट वेरी वेल. आई एम सॉरी, मैं आपके साथ आर्ग्यू कर रही हूं, लेकिन जो चीज गलत है तो गलत है. अच्छा अंबर, एक मिनट यहां सवाल छोड़ दीजिए. यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत कल तैयारी के साथ आई थी, आज भी बहुत तैयारी के साथ आई थी. इस स्क्रीन पे जो मंजर है इसमें आई थिंक दिस इज आई डोंट नो हु दिस इज हया. दिस इज हया. हया इज लीविंग एंड हया के लिए बाहर उनकी गाड़ी तैयार है. दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट. ये वो पार्ट है जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब इस तरह से हमको खुदा हाफिज़ कहना पड़ता है. लेकिन आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये डिसीजन जजेस का है और मुझे जजेस के फैसले को रिस्पेक्ट करना है. हया के लिए गाड़ी जो है वो तैयार है एंड हया विल बी लीविंग. हया के बाद आई डोंट नो कि किसका नंबर है और कौन जाएगा. पर मैं ये कहती हूँ अंबर, इस प्रोफेशन को ना मतलब मजाक नहीं लेना चाहिए. कुछ लड़कियाँ इस चीज़ को बहुत इजी लेती हैं और समझती हैं कि मतलब ये हम मॉडल बन जाएंगे वॉक करके. उनका आना इजी, एक इंसान इतना अच्छा किया और वरना तो उसको एकदम आई डोंट नो, पता नहीं. आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सॉरी. आपके पास फाकिया इज देयर एंड देन मार्वी. आप सबसे पूछ रहे कितनी अच्छी वॉक थी मार्वी. यू डोंट डू अगर आप लोग रोकना चाहते हैं मार्वी को तो रोकिए, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द शो. और मेरे कहने पे नहीं, आप खुद जस्टिफाई कीजिए कि आज वॉक दे के डिसाइड कर लिया था शी शुड नॉट बी एलिमिनेटेड. सही बात के लिए लड़ना जरूरी है. सही बात नहीं, मैं जा रही हूँ लेने. आप जाइए, आई डोंट केयर. मैं सही है, ये सही है कि मुझे भी दुख हो रहा था, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में ऐसी मिसालें कायम हो रही हैं कि जहां जजेस को चैलेंज किया जाता है. मैं कम से कम ऐसी कोई मिसाल नहीं बनना चाहता. मैं जजेस को चैलेंज नहीं करूंगा. अंडर नो, अंबर इज रनिंग आफ्टर मार्वी एंड ओ माय गॉड शी इज ऑलमोस्ट गॉन. ओ माय गॉड शी इज ऑलमोस्ट गॉन. मिल गई यही नहीं खड़ी हुई गाड़ी में वो मिल गई. मार्वी इज देयर. तालियां तो बजा दीजिए आप. तो आप लोग बहुत सारी तालियां, जोर से. अगर आप लोग, इसका मतलब है आप लोग नहीं चाहते थे कि मारी वापस आए. अगर आप चाहते थे तो फिर बजाइए तालियां, बता रहे. मेरा इस बात से इख्तलाफ नहीं है कि मारवी को वापस नहीं आना चाहिए. मेरा इख्तलाफ सिर्फ एक बात से है कि चाहे अगर ज्यादती भी हुई है, लेकिन हमको जजेस के फैसले को जरूर मानना है, हर सूरत में मानना है. और ये मैं कैटेगोरिकली किसी एक चीज़ के लिए नहीं कह रहा, किसी सियासी और किसी सियासी पार्टी की तरफ, किसी सियासी बात की तरफ मेरा इशारा नहीं है. हरगिज़. देयर यू गो. पहले म्यूजिक दोबारा वॉक करेगी ये, फिर कुछ कहेगी नहीं.
अच्छा ये बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दिल में यही दुआ मांग रही थी कि मैं शायद अभी वापस चली जाऊँ। और बाकी थैंक यू अंबर सो मच, थैंक यू साहिर, नहीं मुझे थैंक यू करना, एंड थैंक यू जजेस, लव यू ऑल, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। ऑलराइट जी, आप वहां जाके खड़ी हो जाइए। अब अगली ही ब्रेक में इनका एक बहुत बड़ा टास्क है, इन्हें बाल बनाने हैं, ज्वेलरी पहननी है और प्रॉपरली दुल्हन की वॉक करनी है। छोटा सा एक ब्रेक होगा, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। आज इन छह में से कोई एक हमारी क्वीन बनेगी, कौन होगा वो देखते हैं इस ब्रेक के बाद।
आप जजेस को ये करवा सकते हैं मूव्स? बिल्कुल, सारे जजेस को, जितने जजेस यहाँ पर, इनको ही मूव्स करवा सकते हैं सर आप। प्लीज आप लोग सब इधर आ जाइए प्लीज। आइए आइए, आप लोग बहुत नंबर्स देते ना, मैं नंबर्स दूंगा। मैं चलो तुम भी चलो, मैं यहाँ पर बैठूंगा जजेस की कुर्सी पे और मैं नंबर्स दे रहा हूँ। आप बताइए, हाँ जी, सबको एलिमिनेशन दिया जाता है। अच्छा जी, यार ये कुर्सी वैसे बहुत पावरफुल है यार। अब पता चला लोग यहाँ से उठते क्यों नहीं है। जालिमा लगवाइए, आप लोगों ने मार्क्स देने और मैंने मार्क्स देने, जालिमा लगवाइए। लेट्स सी हमारे जजेस के पास, जजेस हमारे किस तरह से करते हैं। लेट्स सी, लगाइए जालिमा। ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी है। What? अच्छा, जब तक वो लड़की कर रही थी उसके साथ नहीं निकाला, रुबाब जैसी है फौरन गुलाब निकाले। नहीं नहीं नहीं, वेरी रॉन्ग, आपने इनको मूव सिखानी है। यू आर सो जी मैं थोड़ी कर रहा हूँ, आपने करना सर। आपने वो शेर वाला, आपने आपने वो शेर और भगवान का लतीफा सुना है? नहीं सुना? एक आदमी जंगल में जा रहा था तो एक शेर नजर आ जाता है, तो वो कहता है भगवान क्या करूँ मैं, तो ऊपर से आवाज आती है कि दे पत्थर उठा शेर को मार, तो पत्थर उठा के शेर को मार देता है, शेर और जोर से दहाड़ता है, तो फिर कहता है भगवान अब क्या करूँ, कहना अब तू कुछ मत कर, जो करेगा शेर करेगा। तो ये शेर है, आप आ जाए जी, बिल्कुल आ जाइए। एंजी एंड मार्शल, बस आई तालियां। सबसे अच्छा आपका था, यू नो ऑनेस्टली 2000 नंबर्स आउट ऑफ 10। आइए जी आइए, हेलो।
madiha you yes madiha jo bolti nahi hai madiha you need to पता नहीं आपको फास्ट म्यूजिक चाहिए मदिया नहीं अच्छा चलिए अंबर अंबर आपको आपको मॉर्निंग शो होस्ट बनने का शौक है सुबह सुबह 9 बजे नाचना शुरू कर दीजिए बिल्कुल बन जाएंगे आप नाचता भी और नचाता भी लेकिन भाई आज के मुकाबले की विनर है रुबाब बिकॉज रुबाब जस्ट ऑसम मैन ऑसम और हम हमदर्दी का इजहार करते हैं मदिहा के साथ बिकॉज देयर वाज दिस वन मूव जो तेरे नहीं जो तेरे एक्सपोर्टर ऐसे क्या एंड देन देयर वाज एंजी मार्शल बिकॉज़ शी वाज जस्ट अमेजिंग क्या ब्रेक है ब्रेक पे जाना है बता दीजिए मुझे हाँ जी अच्छा वहां पे मैं नीचे गई थी माइक नहीं है माइक ले लो नीचे जाकर मैंने देखा है कि माशाल्लाह लड़कियां जो है अपना तैयारियां कर रही हैं ज्वेलरी उनके एक्सेसरीज जो है जिस तरह से हो रहा है और अंबर खान सैलून की लड़कियां सब नीचे ही हैं प्लस बहुत नर्वस भी हैं वो कि पता नहीं क्या होगा आर दे रेडी दे आर ऑलमोस्ट रेडी ऑलराइट जी एक छोटा सा ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद वॉक शुरू हो जाएगी क्योंकि ये वॉक वो वॉक है जब वो दुल्हन का जोड़ा पहन के यहाँ चलेंगी और उसके मुताबिक फैसला होगा कि कौन आगे जाएगा अगले राउंड के अंदर अगले राउंड फाइनल राउंड है जिसके अंदर किसी एक को क्वीन बना दिया जाएगा ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जाएगा Let's roll the music, ladies and gentlemen. अंबर यहां आ जाइए ये वो मुकाबला है जहां अभी आपने इससे पहले एक वॉक देखी थी ये ब्राइडल वेयर है और ये ब्राइड्स हैं जिनका मुकाबला इस वक्त हो रहा है कॉन्फिडेंस के मार्क्स होंगे ज्वेलरी को कैसे कैरी करते हैं उसके मार्क्स होंगे साथ साथ ड्रेसेस को कैसे कैरी किया जाता है उनके मार्क्स होंगे पोस्चर कैसा है उसके मार्क्स होंगे जजेस आर रेडी इफ यू गाइस अलाउ मी कैन आई स्टार्ट लेडीज एंड मेन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर 1 2 3 हियर वी गो लेट्स रोल द म्यूजिक
रुबाब, what do you think? कैसा है? जबरदस्त, पहले से और बेटर, बेटर बेटर बेटर. बट मैं यही कहूँगी कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, भारी दुपट्टे लेके, चीज़ें जो आप लोगों के पास हों उनको पहन के, शीशे के सामने खड़े होके अपने पोस्चर बनाएं. अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है, इसको सीरियसली लें. इट्स नॉट अ जोक. नो, एब्सोल्युटली नॉट ज़ाहिद. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस प्रोफेशन. जो भी आपने करना है, जस्ट थिंक पॉजिटिव और उस पाथ पे चलें, ठीक है? ये चीज़ ना सोचे कि आपने ये चीज़ भी करनी है, एक्टिंग भी करनी है, मॉडलिंग भी करनी है, मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है, सब कुछ करना है. दैट्स नॉट पॉसिबल. सिर्फ आप एक चीज़ को माइंड में रखते हुए करें और सिर्फ कॉन्फिडेंस से करें. वट एवर यू विल डू, यू विल सक्सीड इन लाइफ. अभी आज आपको कैसा लगा इन 6 मॉडल्स का? आई थिंक बहुत इम्प्रूव वर्जन था जो मैंने पहले वॉक देखी, और जो सुबह मैं इन सब लोगों को ड्रेसअप कर रहा था तब देख रहा था, तो मुझे अब की वॉक पहली वॉक से बहुत बेहतर लगी. थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर था, थोड़ी शॉल्स कैरी की हुई थी, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी अ शॉल इतने भारी जोड़े के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा एक एलिमेंट था. मॉडल जो है उसको ना सिर्फ ये है कि हम उसकी शक्ल देखते हैं, लेकिन जब वो रैंप पे होती हैं तो हम हर चीज़ पे नोट करते हैं कि वो मेकअप कैसे कैरी कर रही है. आपको क्या लगा इन 6 में से कोई फेवरेट आपकी अभी है? सॉरी, कोई फेवरेट है? एनी फेवरेट ऑफ योर्स? यस, मेरे 2-3 फेवरेट हैं. ऑलराइट, मुकाबला तो अभी जारी है ना, अभी एक वॉक, अभी फाइनल वॉक बाकी है. मदिया, व्हाट डू यू थिंक? मॉडलिंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, डोंट टेक इट एज अ जोक. और मैं अभी भी बोलूंगी कि पर्सनालिटी रैंप पे बहुत, अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट दीस 6 वुमेन. फेवरेट, आई एम आस्किंग हाउ डू ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है. डिड यू लाइक द वॉक दैट यू सॉ? आई थिंक that you guys can improve, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा improvement. कोई आपकी favorite है? जी है, दो हैं. दो हैं. अच्छा, नाम बिल्कुल नहीं बताना. नाम बिल्कुल नहीं बताना. Let's ask रुबाब. रुबाब, आपकी कोई favorite है? और कितनी है? दो रुबाब. मेरी तीन हैं. बारी पूछ लो. अच्छा, दो. सही हूँ. मेरी तीन हैं favorite. तीन. मेरी भी तीन हैं favorite. दो. और एक और है जो बहुत क्यूट है. हाँ 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 तीन फेवरेट में. हाँ, हमारे मैं भी नहीं कह सकते हैं, बट दो क्राइटेरिया होगा जो कि आप जज में से होंगे, जो आप बात से माइक उन तीन में से आप का क्या जजमेंटल होगा जिस पे आप उसको एक को चूज करेंगे, क्योंकि जब तीन फेवरेट हो ना कोई चीज आप देखिए आई थिंक थोड़ा सा हिंट दे दें ताकि वो इंप्रूव कर सके. दैट्स सी द प्रॉब्लम इज, तीन फेवरेट आपकी हो सकती हैं, लेकिन अभी डिसीजन नहीं हुआ है. नहीं हुआ. छः, अगेन छः के छः लोग हैं. फाइनल टिप फ्रॉम रुबाब, कोई एक टिप दीजिए फाइनल वॉक के लिए इन तमाम लोगों को. कि इनको क्या करना चाहिए? yes. आगे वॉक पे खड़े होके बता दो प्लीज एब्सोल्युटली. अच्छा, कभी भी एक तो जब आपने ब्राइडल पहना हुआ होता है तो आप एक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि आप उसकी तरह पोजेस मारने, आप उस तरह पोजेस नहीं कर सकते कि आप शूट करवा रहे हैं. आप शूट नहीं करवा रहे, आप रैंप पे चल रहे हैं. जितना एलिगेंट चल सकते हैं, जितना पोस्चर एलिगेंट बना सकते हैं, उतना एलिगेंट अच्छा लगेगा ब्राइडल जोड़ों के साथ. जैसे आपने अभी पोजेस आप कर रहे थे ना, आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे जोड़े के साथ. आप शूट नहीं करवा रहे थे, आप वॉक कर रहे थे, ठीक है ना? तो आपको जितना एलिगेंट, जितना आप एलिगेंट और अपने अंदर इस चीज़ को अंदर आपने ब्राइडल, आप ब्राइड बनी हुई हैं. अच्छा, ब्राइड कैसी होती है? एक काम करते हैं रुबाब, अगर आप थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दें एक सेकंड. दूसरी बात यह है कि हम ब्रेक पे चले जाएंगे, ब्रेक के बाद ये लोग मेकअप के लिए जाएंगे अपने वलीमे की फाइनल आउटफिट के लिए, लेकिन एक मरतबा आप इनको सिर्फ वॉक करके दिखा दें ताकि दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. ओके, 1 2 3 वॉक.
जोर से जरा इंतजार सुन सदा
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैन वी कट देयर, कैन वी कट, कैन वी कट, हम जा सकते हैं वहाँ पे? ज़रा दिखाइए कि नीचे क्या हो रहा है। आई थिंक मेकअप हो रहा है और फाइनल तैयारियाँ हैं। देयर यू गो अंबर, कैन यू हेयर मी? अंबर मेरी आवाज़ आ रही है तुमको? माइक खोल दो जी। अंबर आवाज़ आ रही है? अंबर कितने हो? अंबर अंबर कहाँ हो तुम? अरे इतना बिजी हो। हेलो अंबर, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? हेलो, अरे तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अच्छा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो कि सब सही चल रहा है। हाथ उठाओ, बोलो सब सही चल रहा है। ऐसे थम्स अप करो, एक थम्स अप दो। अरे एक थम्स अप दो, अरे थम्स अप तो दो। ये थम्स अप, देयर यू गो। अभी विक्ट्री का निशान बनाओ, विक्ट्री का निशान बनाओ, विक्ट्री का निशान। अब ऐसे समझो जैसे कटरीना तुम्हारे पास तैयार होने के लिए आई है। अरे बिल्कुल सही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज आज अंबर बोल रही है और मेरी आवाज आ रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट एनीवे, अंबर कैन यू डांस फॉर अस? इमेजिन करो अंबर यहां पर, कैन यू डांस फॉर अस? जरा गाना लगा, देर यू गो, हाँ डांस करो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा क्या है, कैसे भी शो कर लेते हैं। ये वाला गाना से दिल को क्या धड़काना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, देर यू गो। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अंबर की तैयारियां जारी हैं और इस ब्रेक के बाद फाइनल वॉक होगी। आपने कहीं नहीं जाना, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? अब तो बता दो, आवाज नहीं जा रही, अब तो बता दे कौन जीतने वाला है। जजेस प्लीज 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 प्लीज, ये क्या है यार, अभी अभी सी द फाइनल वॉक है ना। लेकिन हमारे क्या पता इरादे चेंज हो जाए। अच्छा अगर आपको मुझे नंबर देने होते कितने नंबर देते आप लोग? मुझे नंबर 200 में से 200, 200 में से 250। मुझे मुझे पता है जब 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 रुबाब एक्चुअली अगर नंबर देने पे आए ना तो साहिर लोधी नेगेटिव 200 आउट ऑफ 200 बिकॉज ऑनेस्टली यार मुझे एक मैं करके दिखाता हूँ यार, लगा गाना लगा यार, मैं भी चाहता हूँ ना मैं वॉक करूँ। निशान निशान कब क्या चेक करने के? माइक चेक करने के लिए, कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा मैं। निशान बता दे, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। थैंक यू। हाँ सही से बताओ कितने? पक्का कुछ दो चार नंबर मिल जाएंगे। हाँ, भाई ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, दो चार नंबर नहीं। चलो चलो, दैट्स अ गुड थिंग यार, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आप यकीन माने ये यहाँ जो क्राउन रखा है ये मेरे सर पे कभी नहीं आएगा। एंड थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि जिस दिन आप ये क्राउन मेरे सर पे देखें शो देखना छोड़ दीजिएगा। बिकॉज दैट मीन्स मेरे अंदर वो तब्दीली आई है जो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। तो लिहाजा तब्दीली आनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। छोटा सा लेकिन झगड़ा इसी ताज का है, इसी क्राउन का है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कौन होगा इसका हकदार देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना।
मॉडल्स की वॉक. ताहिर भाई जरा आइएगा जल्दी से, ताहिर भाई को भेजिएगा. ताहिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां. ताहिर भाई के लिए बहुत, आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए. ताहिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां. ताहिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां. ताहिर भाई के लिए, अरे ताहिर भाई बहुत सारी तालियां. हमारी बहुत सारी तालियां. हमारी जिंदगी हो या मौत, ताहिर भाई कभी नहीं आते, लेकिन जब मॉडल्स आती हैं ताहिर भाई हमेशा आ जाते हैं. जाइए. थैंक यू सो मच ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, कभी हम मर रहे होते हैं पानी नहीं मिलाता ही हमें, और लेकिन थैंक यू, वी लव यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स रोल. ये फाइनल वॉक है और इसी फाइनल वॉक में फैसला हो जाएगा. जजेस आर यू रेडी? आप लोग तैयार है? जजेस तैयार है आप लोग? ऑलराइट जी, हियर वी गो, लेट्स रोल द म्यूजिक. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड गेट रेडी फॉर द फाइनल रैंप वॉक. बिस्मा.
कुछ कहना चाहूँगी मैम, यस, ये तमाम लड़कियाँ जो हम लोग घर बैठे देख रहे होते हैं ना, बिल्कुल आसान नहीं होता, जिस तरह से लोग कपड़े चेंज करते हैं, दोबारा बाल, ये वो, हेड्स अप, बहुत सारी भरपूर तालियां इन लोगों का। आ जाए आ जाए आ जाए। और दूसरी बात, और दूसरी बात, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है, अम्बर ये लीजिएगा प्लीज, होल्ड कर लीजिए। दूसरी बात ये कि बहुत मुश्किल होगा फैसला, मैं खोखी डिजाइन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच जाहिद, योर ड्रेसेस आर अमेजिंग यार, इट्स ऑनेस्टली इट्स ब्रेथ टेकिंग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, आज इनकी तो यस बहुत अमेजिंग। अच्छा जी, आपने सेकेंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप एंड देन विनर को अनाउंस करना है, अगर आप लोग मुझे दे सकें, रुबाब यू विल हैव टू कम फॉरवर्ड, एनजी यू विल हैव टू कम फॉरवर्ड, जाहिद यू विल हैव टू कम फॉरवर्ड, आप आ जाइए, मदिया आप भी उठ के आ जाइए, यहाँ आ जाइए अब। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मुकाबले में 8 मॉडल्स ने हिस्सा लिया, 8 में से 2 मॉडल्स को एलिमिनेट किया गया पहले राउंड में, जजेस ने सोचा कि एक और मॉडल ऐसी होगी जिसको एलिमिनेट करना चाहिए, जिसके लिए अंबर ने और हमारे ऑडियंस ने कहा कि उसे वापस आना चाहिए, लिहाजा वो मॉडल वापस आई, उस मॉडल का नाम था मारवी। जजेस अपने डिसीजन पे पहुंच चुके हैं, बड़ा मुश्किल डिसीजन था बिकॉज आज सबने बहुत अच्छी वॉक की है, दे वर अमेजिंग, तीन लोग आज इस मुकाबले से एलिमिनेट होंगे और 3 लोगों को इस मुकाबले में जीत का हकदार करा दिया जाएगा, सेकेंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप एंड देन द क्वीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले इन तमाम मॉडल्स के लिए बहुत सारी तालियां, मैं एक नाम लूंगा, प्लीज कम फॉरवर्ड व्हेन आई से योर नेम एंड स्टैंड राइट हियर, कौन होगा हमारा सेकेंड रनर अप, इज इट यू तालिया, इज इट यू मारवी, इज इट यू वर्षा, इज इट यू इकरा, सिद्रा या इज इट बिस्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकेंड रनर अप today is Bisma. And Madiha, आप इनको जरा पहना दें, इनका सैश है जो इनको डाला जा रहा है, ऑफ सेकेंड रनर अप, एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सा इतालिया बिस्मा के लिए, बिस्मा यू कम हियर मैम, आप इधर आ जाइए, इधर इधर राइट साइड पे, टू योर राइट, आप लोग थोड़ा सा मूव हो जाइए एक एक इस तरफ, सिद्रा यू मूव हियर, जी दैट्स इट, दैट्स सादिया, सॉरी सादिया, मुझे तो पता है कि कौन है, बट लेट्स सी, 5 बचे, तालिया मारवी, मैं बुला ही लेता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जहां रुकूंगा, जिसके पास रुकूंगा वो हमारा फर्स्ट रनर अप है, सादिया, जी
प्लीज आ जाइए जी 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 जल्दी से बहुत बहुत शुक्रिया इधर आ जाइए बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं जिसका हाथ पकड़ूंगा वो विनर होगा हमारा आंखें बंद कर लीजिए आप सब के सब आंखें बंद कर लीजिए सब के सब आंखें बंद कर लीजिए लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है अंबर तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम्हारे सैलून का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है मैं जिसका हाथ पकड़ूंगा वो विनर होगा लेडीज एंड जेंटलमैन मैं जिसका हाथ पकड़ूंगा वो विनर होगा मैं जिसका हाथ पकड़ूंगा वो विनर होगा विनर होगा लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे द विनर इज आवर शो रुबाब जल्दी से आइए जल्दी से आइए तालियां होनी चाहिए जोर से यू गाइस आर वंडरफुल Let's crown our Shah. Here we go. One, two, and. Forza Italia, our Shah ke liye. There you go. सालगिरह जल्दी आ जाओ हैप्पी बर्थडे कह लो हो गया शो जी जल्दी आ जाओ छेती आ जाओ पाजी क्या कर रहे हो हेलो जी हेलो बेटा आ जाओ चकरे फटे आ जाओ जल्दी से और लाओ जी लाओ 1 2 3 4 गो आ जी बिल्कुल मैं इधर ही हूं अरे खोल दो उसको बहुत सारी तालियां कम है आई वांट टू थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक अंबर अंबर सलोन आपका बहुत शुक्रिया जाहिद थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन एनजी थैंक यू सो मच रुबाब थैंक यू सो मच दिस इज आवर शो पाजी तनु रब दा वास्ता तालियां बजा दो क्या हो गया है शोर वोर कर दो